करीम साहब ने केस के मतलब कुछ बताएंगे आप क्या केस था और जमानत क्यों करवाई है आपने? गिरफ्तारी का खत अच्छा था कहा? नहीं, कहाँ पे गिरफ्तारी? पाकिस्तान में जी। आपने जमानत क्यों करवाई है? जमानत मैंने क्यों कराई? आपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कराई। अच्छा, जब आप वीडियो बनवा रही थी उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ कि इससे कोई खतरा हो सकता है आपको? नहीं, मैंने फन में वीडियो बनाया था, जस्ट अब देखे लेट सी क्या होते हैं, इसीलिए पाकिस्तान आई हूँ। वैसे मैं पाकिस्तान से तो टर्की शिफ्ट हो गई हूँ, लेकिन मैंने इस चीज को देखने के लिए आई हूँ। इंक्वायरी का सामना करेंगे या करेंगे? या ऑफकोर्स करूंगी, ऑफकोर्स करेंगे। एफआईए से कोऑपरेट करेंगे आप तफ्तीश में? रही बात है, कोऑपरेट करना होगा। हमारे वकील हैं जी, जी मुझे सामने कल हमने रिपोर्ट किया था केस बेल का, तो वैसे आप सरेंडर करेंगी, पेश होंगी? महफूज समझ लेंगे, डेफिनेटली पेश होंगे। हमारे वकील जो है इस चीज को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। मुनीर अहमद खान ने दो दफा मुझे कोर्ट से रिलीफ दिलाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ मसाइल थे जिनकी वजह से मैं वापस नहीं आ सकी थी, और वापस आने की वजह से तीसरी दफा थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये, क्योंकि दो दफा अगर आपको इस चीज में रिलीफ मिले तो तीसरी दफा आप दो दफा ना आ सको। बट हमारे वकील ने उस चीज को बहुत कुछ असलूबी के साथ और इतनी मेहनत से, इतनी स्ट्रगल से अगेन हमें वो किए, तो इंशाल्लाह हम परस्यू करेंगे, देखेंगे जो भी होता है। लेट्स सी, आपको अपडेट करेंगे। ऑफकोर्स मजाक, ऑफकोर्स मजाक था। आपको हिफाजत जमानत आपकी हो गई है, अब आपको खुद को महफूज महसूस कर रही है? मेरा कंट्री है इसमें, वैसे भी मैंने खुद को महफूज ही वो करना था, बट जमानत मैंने इसलिए करवाई क्योंकि इतने सारे लोग जब आपको चैलेंज कर रहे होते हैं कि आओगे तो ये होगा तो वो होगा तो अपना, और मेन चैलेंज जो मुझे करे तो फिर मैं उनका उनको मुंह तोड़ जवाब देती हूँ और सामना भी करती हूँ। तो मैं अपने दुश्मनों को तो नहीं खुश होने दे सकती जो इतने सारे लोग आपके लिए तमाशबीन बन गए, आपका तमाशा देख रहे होते हैं, तो डेफिनेटली तो उसका भी एक वो था।